हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं अबाउट एलजी वॉशिंग मशीन, और इसमें हम क्लीनिंग कैसे करें, कैसे उसका रख रखाव करें, कैसे उसका ध्यान रखें, उसका रोज़ाना के हम जब उसको यूजेस में जब ले रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग वगैरह उसको ढंग से कैसे रखें, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वॉशिंग मशीन का क्लीनिंग। इससे पहले मैंने इसमें कपड़े वॉश किए थे, अभी इसमें जो डिटर्जेंट वाला पानी है वो इसके अंदर है, तो हम इसको क्लीनिंग करने का जो तरीका है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमने वॉशिंग वाला कंपार्टमेंट का जो ढक्कन है वो हटा लिया है, और इसमें काफ़ी सारा पानी है। इसका जो यहाँ से ये स्विच है वॉश एंड रिंस वाला, उसको ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने से इसका जो सारा पानी है वो बाहर निकल जाए। फ्रेंड्स, अब जो है इसका जो गंदा पानी था, जो यूज्ड वाटर है, वो डिटर्जेंट वाला पानी निकल चुका है, और इसमें काफ़ी सारा जो यहाँ पर गंदगी है। और अब हमने इसमें डालने के लिए गुनगुना पानी लिया है, जिसको हम अगर हाथ डालें तो इतना ही गर्म होना चाहिए कि बस आप इसको सह सकें। और यहाँ पर हमने गुनगुने पानी से सबसे पहले इसको वॉश कर दिया। अभी ये नोज़ल जो है, जो स्विच है, ये ड्रेन पर है। हमने इसके चारों तरफ सारी वॉल्स पर इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो अपना जो ड्रायर वाला एरिया है उसको भी गुनगुने पानी से इस तरीके से चारों तरफ से वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अब इसको वॉश कर लिया है। इसको वॉश रिंस पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में इसमें एक से दो बकेट वाटर इसके अंदर डालना है। अब इसमें जो हमने गुनगुना पानी है वो इसके अंदर डाल दिया है। उसको डालने के बाद में हमें क्या करना है कि इसका जो वॉश टाइमर है वो 15 मिनट के लिए हमें सेट कर देना है। फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया को हमने एक बार किया तो इसमें इस तरीके से जो लिंट नीचे इकट्ठा रहता है इसके यहाँ पर मोटर के यहाँ पर पार्ट के नीचे जो लिंट इकट्ठा रहता है वो एकदम से घुल के और पानी के साथ आ जाता है। अब हमें इसको ड्रेन कर देना है, और इसी प्रक्रिया को हमें लगभग 5 बार करना है, और उससे जो है वॉशिंग मशीन जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। मंथ में एक बार जो है मैं इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करती हूँ, और हम और बाकी इसका जो आउटर पार्ट है वो भी क्लीन करेंगे। काफ़ी लोगों ने इसका जो यहाँ पर फिल्टर है उसके बारे में भी पूछा कि इसको किस तरीके से निकालें और इसको कैसे क्लीन करना है। तो इसको निकालने के लिए जो है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ड्रायर में भी कई बार जो फाइबर है, क्लोथ फाइबर, वो कुछ इकट्ठा हो जाते हैं साइड्स में, और वहाँ हमारा जो हाथ है वो पहुँच नहीं पाता, हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। एक बकेट मैंने इसमें गुनगुना पानी डाल दिया, उससे काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत कचरा इसके अंदर जाता है वो निकल जाता है। अब हम थर्ड टाइम इसको क्लीन करने वाले थे, तो मैंने इसको जेंटल पे रख के ही वॉश रिंस सेलेक्ट किया है, और इसको एक बार ही फिर से हम चला देंगे। हमने जब इसको तीसरी बारी जब हमने इसको घुमाया है तो उसमें थोड़ा कम इसमें कचरा आया है, तो मेरे हिसाब से इतनी बारी के लिए ये इनफ है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे। मैंने इसको ड्रेन करा, और साथ में मैं ये भी चला रही हूँ जिससे कि साथ में ये वाला स्विच भी मैं ऑन कर देती हूँ, जिससे कि ये जो कचरा है ये इसके साथ निकल जाए, इस साइड्स में इकट्ठा ना रहे। तो इस तरीके से वॉशिंग मशीन का जो नीचे का एरिया है वो हमने क्लीन कर लिया है। अब हम इसका बाकी सारा जो पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने वाले हैं। अब हम
हमारी वॉशिंग मशीन अंदर से और इसका हेड जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हमें जो है जब भी हम कपड़े का यूज़ करें इसको पोंछने के लिए, तो याद रखें कि आप इसका जो पावर बटन है वो ऑफ़ कर दें, क्योंकि कई बारी जो होता है इसका आउटर बॉडी जो है, जो मशीन बहुत पुरानी हो जाती है तो उनमें थोड़ा हल्का अर्दिंग आने लगता है, तो वो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम इसके आउटर बॉडी को भी क्लीन कर देते हैं। इस मशीन को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं, लगभग एक साल इसको होने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि इसका जो बॉडी है वो करंट वगैरह कुछ हल्का अर्दिंग आपको लगता हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी और जो मशीन्स वॉशिंग मशीन्स है उसमें काफ़ी ऐसा सुनने को मिलता है कि उनमें जो उसका बॉडी है अगर उसको आप गीले हाथों से टच कर लें और आपने चप्पल नहीं पहना हो तो उसमें थोड़ा अर्दिंग आपको फील होने लगता है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम इसके फिल्टर को वॉश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो ये फिल्टर को यहाँ से रिमूव किया था उसको अच्छे से सोप से वॉश करके, और इसको सबसे पहले आप जब वॉश करें तो इसको इस तरीके से उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद में यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा रहता है उसको आप डस्टबिन में डाल दें, और उसके बाद में हल्का सा जो ब्रश है, जैसे टूथब्रश जो मैं इससे क्लीन करती थी उसी से मैंने इसको हल्का सा सोप लगा के और टूथब्रश से यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा जो लिंट था वो निकाल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले नीचे वाला नोज़ल को उसके अंदर टक करना है। टक करने के बाद ऊपर वाला नोज़ल जो है उसको अच्छे से अंदर की तरफ पुश करना है। तो पुश करते ही ये इस तरीके से फिट हो जाता है। तो हमारा जो ये फिल्टर है ये भी क्लीन हो गया है। वॉशिंग मशीन को हमने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। इसका जो हमने क्लीनिंग का, रेगुलर क्लीनिंग का जो आज का वीडियो बनाया वो इसके जो लीफलेट इसके साथ में आता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्लीनिंग करी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।